जय श्री कृष्णा। नमस्कार भाइयों, ठंडी तो बहुत पड़ रही है इस समय। अरे पिछले हफ्ते जो वीडियो दिया था मैंने ऑप्शन के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यूज, लगभग लगभग वही ट्रेंड है। वो ट्रेंड बना हुआ है 1-1.5 महीने से, और आप मान के चलो मोटी मोटा बजट तक अभी ऐसे ही ट्रेंड रहेगा, मार्केट कंसोलिडेशन में ही रहेगा। दो सौ पॉइंट 300 पॉइंट में ही मार्केट घूमता रह गया पूरे हफ्ते। इसमें कोई बैठेगा तो ऑप्शन में तो उसे 1 रुपया नहीं मिलना है इंतज़ार करने वालों को। हाँ, जो थोड़ा फास्ट हैं उनको बाई और सेल दोनों में मिल रहा है, कॉल और पुट दोनों में मिल जाएगा। अब पिछले हफ्ते जो हुआ सो हुआ, सामने हफ्ता मंडे से मार्केट में फिर वही ट्रेंड है। मंडे को मार्केट तेज रहेगी, मंडे ट्यूसडे 2 दिन मार्केट तेज रहेगी। वेडनेसडे थर्सडे वहीं ला के फिर खड़ा कर देगी। वैसे अगले हफ्ते इन्फोसिस का रिजल्ट भी है, तो मार्केट अगले हफ्ते से अब न्यूज बेस भी हो जाएगी। रिजल्ट जिसके थोड़ा भी अच्छा रहेंगे, थोड़ा भी अच्छा रहेंगे तो मार्केट खींच देगा, क्योंकि आम धारणा लोगों के अंदर अब इस समय मार्केट में ये है कि रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। अब इस पे जिसका रिजल्ट अच्छा होगा उसके लिए तो बहुत अच्छा होगा, थोड़ा भी अच्छा दिखाया तो उस कंपनी का रिएक्शन अच्छा रहेगा। तो सामने हफ्ता मंडे ट्यूसडे 2 दिन तो आप कंफर्म रहिए कि मार्केट ऊपर ही रहेगा। तो अगर मार्केट 18,000 के आसपास कहीं मिलती है तो आप लोग कॉल में रहिए, निफ्टी का कॉल लीजिए। 42,200 के आसपास बैंक निफ्टी मिलती है तो बैंक निफ्टी में भी आप कॉल लीजिए। चाहे करंट वीक का लीजिए या तो अगले वीक का, 1 वीक आगे का लीजिए, लेकिन दोनों में कॉल में रहिए, पुट में मत रहिए। पुट में मार्केट जब ऊपर जाएगी तभी नीचे आएगी, तो ले दे के बराबर ही रहेगा। हर हफ्ते वही कर रही है, फ्राइडे तक जहाँ रहती है उसके बाद अगर किसी ने फ्राइडे को पुट बनाया और खड़ा रह गया तो उसको पुट में 1 रुपया नहीं मिलेगा। हाँ, फ्राइडे को अगर किसी ने कॉल में बनाया और खड़ा है तो उसे अगले हफ्ते मिल जाएंगे, ये हो रहा है। तो हमारे हिसाब से इस हफ्ते का व्यूज भी यही है कि आप कॉल में रहिए, और निफ्टी का कॉल 18,000 की लीजिए, 17,900 की मिले, 17,900 की भी ले सकते हैं, या 18,000 की लीजिए, कम प्रीमियम लगेगा, जो आपको सुटेबल हो, जैसे पैसा हो वैसे आप लीजिए। और बैंक निफ्टी 42,300-400 लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखिए, जब भी 40-50% आपको मिलता है तो इतना ही खाने की कोशिश करिए, आप तुरंत बेच के निकल जाए। और रही इन्फोसिस की बात, इन्फोसिस में न्यूज बेस है,
आप इंफोसिस ले सकते हो। इंफोसिस में आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हो, कैश में ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि अभी तो गिरा है। अगर रिजल्ट बराबर भी दिखा दिया तो एक बार मार्केट प्लस रहेगा, मतलब इंफोसिस प्लस जाएगा। हाँ, बहुत नेगेटिव दिखा देगा तभी माइनस होगा। तो बस उसमें तो न्यूज बेस ही है। कुल मिला के न्यूट्रल मार्केट रहेगी, कंसल्टेशन में रहेगी, ना बहुत ऊपर जाएगी ना बहुत नीचे जाएगी। अच्छा उसको है जो मंथली ऑप्शन में 19,000 की कॉल बेच के चले। या 17,500 की पुट बेच के चले। बेचने वालों को बहुत फायदा है। अगर आप पहले कॉल बेच दो और फिर बाद में खरीदो, आप पहले पुट बेच दो और बाद में सौदा बराबर करो, फायदा ही फायदा है। कंसोलिडेशन मार्केट में यही होता है। सेल में बहुत मज़ा है लेकिन उसमें पूंजी बहुत लगती है, उस हिसाब से देखें। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप बिकली ऑप्शन में जाते हैं तो कॉल लीजिए, निफ्टी में भी कॉल लीजिए, बैंक निफ्टी में भी कॉल लीजिए, बस कॉल में रहिए। जय श्री कृष्ण, नमस्कार। हाँ, डिस्क्लेमर है मेरा कि आप जो भी सौदा करेंगे वो अपने रिस्क करेंगे। मैं केवल नॉलेज के लिए आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। हमारा चैनल आपके प्रॉफिट और लॉस की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।